ये 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आया तब यहाँ आके बैठा था, तो यहाँ बैठ के सबको लेके एक सभा बनाया। 64 महंत तो कौन कौन, 64 महंत तो द्वादश गोपाल, छह चक्रवर्ती, अष्ट कविराज, दशम पुरी, सप्तम भारती, अष्ट गोस्वामी, अष्ट प्रधान महंत, ये सब मिल के है 64 महंत। ये कौन था, दापर युग में जो अष्ट सखी ललिता अभिषेका चंपकलता रंगदेवी सुदेवी तुंग विद्या इंद्रेखा जो अष्ट सखी है, एक सखी का आठ आठ मंजरी है माने दासी, एक सखी का आठ दासी हो गया, पहले आठ का कितना हो गया, आठ आठ 64, आठ आठ 64, ये 64 महंत तो है। ये भगवान की पार्षद है, ये 500 साल का पहले जब आया यहाँ बैठ के ये सभा किया था। ये सबका आसन है, किसी का समाधि है, और तीन समाधि मुख्य है इधर, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, काशीश्वर गोस्वामी, सुबुद्धि राय, ये तीन माने ओरिजिनल बॉडी समाधि है। हाँ, ये सबसे महत्व जगह है वृंदावन की, आदि सबसे पुराना जगह यही है। 64 महंत तो समाज बाड़ी, 64 महंत तो समाज बाड़ी। राधे राधे, हरि हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि। ये वृंदावन का अति प्राचीन 64 महंत मंदिर है। ये वृंदावन के रंग जी के नगले में ये मंदिर विराजमान है। यहाँ 64 मंदिर के महंत और संतों की समाधियाँ बनी हुई हैं। राधे राधे। इस समय हम 64 मंदिर महंत के मंदिर में इस समय हैं। ये आपके चैनल में पहली बार, वृंदावन के वृंदावन ब्लॉक के चैनल में पहली बार इस मंदिर के आपको दीदार कराए जा रहे हैं। तो आइए चलिए, यहाँ पर लाइन से सभी संतों की समाधियाँ और गद्दियाँ बनी हुई हैं। आइए चलिए। सब महंतों की गद्दियाँ बनी हुई हैं और समाधि बनी हुई है, देखिए। वृंदावन बसाने के लिए यहाँ पर सभी मंदिरों के मठों के महंत, चैतन्य महाप्रभु आदि सभी संत यहाँ पधारे थे। यहाँ आप जो पेड़ देख रहे हैं ये भी यहाँ पर नतमस्तक हैं यहाँ पर, और बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही मनोरम यहाँ का दृश्य है। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ तीन संतों की समाधियाँ बनी हुई हैं और बाकी के गुरु गद्दी। जैसे हमारे देश के संविधान में जितनी भी कानून की चर्चाएं होती हैं राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में कराई जाती है, तो ये यहाँ का संसद भवन है, ये संतों का संसद भवन है। यहाँ पर वृंदावन में सबसे पहले यहीं पर मीटिंग हुई थी संतों की, और सबको अलग अलग कार्य विभाग सौंपे गए थे, और जहाँ जहाँ जो संत बैठे थे उन्हीं जगहों पर उनकी गद्दियाँ बनी हुई हैं, और तीन संतों की यहाँ समाधि बनी हुई है जिसके बारे में महंत जी ने आपको बताया। Thank you.
हो गया।